नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इंदौर में होने जा रहा है महिलाओं का साहित्य समागम। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा भारद्वाज जी, जो कि आयोजन समिति से जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। कविता को लेकर ये इस आयोजन में एक सत्र होने जा रहा है। जी जी। क्या रहेगा? ये जो अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम है, इसमें विभिन्न सत्रों में साहित्य की विभिन्न विधाओं में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कविता, मुक्तक और हाइकू को समाहित करते हुए कविताओं के सत्र भी रखे गए, जिसमें पूरे देश भर से नामी गिरामी कवियों के आने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। और सखियाँ भी, मामा की जो सखियाँ हैं, वो भी अति उत्साहित हैं इस कविता सत्र के लिए। जो लोकल कवित्रियाँ हैं उनको भी पार्ट करने का अवसर मिलेगा? जी, उनको भी अवसर दिया जाएगा, इस सत्र में वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे। बड़ी कवित्रियों में कुछ नाम तय हो पाए? अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं और उन लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनकी संभावनाएँ वो आएंगी। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़ी बेजंती दाते जी भी हैं। बेजंती जी, आंचलिक भाषाओं को लेकर किस बड़े आयोजन में समागम में? जी हाँ, आमतौर पर एक धारणा आती है मन में कि हमारी आंचलिक भाषाएं जो हमारी एक बहुत समृद्ध विरासत के रूप में हमें मिली हैं, क्या वे कहीं लुप्त हो रही हैं? लेकिन वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा सृजन हो रहा है। उसे सामने लाने के लिए उसकी जो ठेठपन, उसकी मिठास, उसका जो एक मौलिकता है, वो सब इस अखिल भारतीय साहित्य समागम के एक विशेष सत्र में उभर कर दर्शकों के, श्रोताओं के सामने आएगी। और मुझे विश्वास है कि देश के कोने कोने से आने वाले जो आंचलिक कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुतियों से इस सम्मेलन में एक नया रंग आएगा। जो आंचलिक भाषाओं का सत्र होने वाला है, तो आंचलिक भाषाओं के लेखन के क्षेत्र में कोई बड़ी महिला साहित्यकार का नाम तय हुआ है? देखिए, अभी हम बहुत ही बड़ी बड़ी साहित्यकारों से संपर्क में हैं, बहुत की स्वीकृति आ चुकी है और आ रही है, अभी स्वीकृति आने का क्रम जारी है और निश्चित ही बड़ी बड़ी साहित्यकार इसमें शरीक होंगे। मालवा अंचल में ये आयोजन हो रहा है, निमाड़ हमारा पड़ोसी है, तो मालवा निमाड़ की जो साहित्यकार है आंचलिक उनके लिए कोई इस सत्र में? निश्चित रूप से हम अपने जो आंचलिक बोलियाँ हैं उन्हें भी इस सत्र में महत्वपूर्ण स्थान देंगे, निस्संदेह। महिला साहित्य समागम में लघु कथा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी एक सत्र होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ लघु कथाकार अंजू निगम जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है सत्र। लघु कथा सत्र में 10 लघु कथाकारों को न्योता दिया गया है, वो अपनी रचना सुनाएंगे, लघु कथा विभिन्न विषय में अपनी लघु कथा सुनाएंगे और हम लोग को काफ़ी इससे विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी मिलेगी। लघु कथा पर कुछ चिंतन का सत्र भी होगा क्या? अलग से कुछ विषय पर चर्चाएं? हाँ, विषय अभी चुना नहीं गया है, विषय चुना जाएगा जल्दी ही, उसी विषय पे सत्र चलेगा। बड़ी लघु कथाकार जो देश की है, उनसे कुछ आपकी चर्चा हुई? हाँ, उनसे चर्चा हुई है और उनको न्योता भेजा गया है और उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर होंगी इस समागम में। लघु कथा का क्षेत्र एक बहुत विस्तृत क्षेत्र बनता जा रहा है। जी, लघु कथा के क्षेत्र में नए लोग भी निकल रहे हैं, ठीक है, नए लोगों को भी इस पर अवसर मिलेगा? जी बिल्कुल, अवसर मिलेगा और वो भी सीख पाएंगे और हम भी सीख पाएंगे, नए लोगों को बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा। महिला साहित्य समागम में एक सत्र साक्ष्यों के नाम भी रहेगा, इसमें महत्वपूर्ण विषय पर महिला साहित्यकार अपने विचार व्यक्त करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखिका मेला जैन जी, वो बताएंगी कि टॉक शो क्या होने वाला है। टॉक शो में कुछ देश भर के जो साहित्यकार आएंगे, उनमें से कुछ साहित्यकार मंच पर रहेंगे, वो पहले तो अपना उद्बोधन देंगे, उसके बाद विचार मंथन भी किया जाएगा और दर्शक दीर्घा में से भी उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्नोत्तर सेशन भी हो सकता है। क्या विषय, इसका कुछ विषय तय अभी शास्त्रों का उपाय है? विषयों की चर्चा चल रही है, 4-5 विषयों में से कोई एक विषय को मुझे अभी चुनना है, उसके बाद उसका टॉक्शो में मंच पे वरिष्ठ महिला साहित्यकार देश भर की रहेंगी? चार महिला साहित्यकार रहेंगी।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।